brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मालदीव की उल्टी गिनती उसी वक्त से शुरू हो गई थी जिस दिन से उसने भारत के साथ दुश्मनी ली। भारत के साथ दुश्मनी ने मोहम्मद मोइजू को लाइमलाइट मिला दिया, लेकिन ये लाइमलाइट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव थी। मोइजू की मुसीबत अब हर तरफ से बढ़ रही है। मालदीव को चीन के कर्ज जाल में फंसाने के बाद मोहम्मद मोइजू अब खुद फंसने वाले हैं। हालात ऐसे बनने वाले हैं कि मोहम्मद मोइजू बहुत जल्द मालदीव को ही छोड़कर भाग जाएं, जैसे श्रीलंका में पिछली सरकार ने किया। मालदीव के साथ जो कुछ घट रहा है वो बिल्कुल वैसा है जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। पहले श्रीलंका की पूर्व सरकार ने चीन के कर्ज जाल में खुद को फंसाकर देश को बदहाल कर दिया और उसके बाद खुद देश छोड़कर भाग गए। और अब ऐसे ही हालात मालदीव्स के बनेंगे, जिसकी शुरुआत अब मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ शुरू हो रहा है। मालदीव में संसदीय चुनावों से पहले विपक्षी दल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के भ्रष्टाचार की लीक रिपोर्ट को लेकर अब उन पर लगातार हमलावर है। उनकी सरकार गिराने की अब तैयारी हो रही है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। बताते मालदीव में मजलिस यानी मालदीव की संसद के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और मोहम्मद मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्थानीय मीडिया की माने तो एक लीक डॉक्यूमेंट ने मोहम्मद मोइजू की मुसीबत को बढ़ा दिया है, जिसमें उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुफिया रिपोर्ट पोस्ट की गई। इस पोस्ट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU द्वारा तैयार मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी और मालदीव पुलिस सर्विस से जुड़े कुछ दस्तावेज थे। इसमें कथित तौर पर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के भ्रष्टाचार का जिक्र है। न्यूज पोर्टल मालदीव रिपब्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक इन खुफिया दस्तावेजों में 2018 की घटनाओं का जिक्र है। इनमें राष्ट्रपति मोइजू के पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में अनियमितताओं का दावा किया गया। दस्तावेजों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें कहा गया कि लेनदेन को छिपाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है और कॉर्पोरेट संस्थाओं के जरिए फंड की ओरिजिन छिपाई गई है। अब इस पोस्ट के बाद राजनीति में बवाल आ गया है। मालदीव में इसे लेकर भयंकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लगातार मोहम्मद मोइजू को लोगों से सुनना पड़ रहा है। सरकार घिरी हुई है और इन सब के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपना बचाव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चाहे कितने भी ऐसे आरोप क्यों ना लगाए जाएं, मैं लोगों के अधिकारों से कभी समझौता नहीं करूंगा। पिछले 5 साल से विपक्षी दल सरकार में थे, अगर कुछ भी गलत हुआ होता तो सामने आ जाता। विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स नेशनल फ्रंट द्वारा संबंधित अधिकारियों से मोइजू पर लगे गंभीर आरोपों की जाँच की मांग करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें मौजूदा समय में मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मुसीबतों का पहाड़ मालदीव की छाती पर बना दिया है। चीन की ऐसी कई बदनाम कंपनियां हैं जिसके साथ मालदीव के राष्ट्रपति ने डील साइन कर ली हैं। ऐसी डील्स जो मालदीव के लिए बुरा वक्त लाने के लिए काफी होंगी और इसी बुरे वक्त का जिक्र भारत लगातार कर रहा है, जो मालदीव के लिए अब तक का सबसे बुरा दौर ले आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।